पेपर देखिए, 3 तारीख को मैंने पदम जी पेपर दिया था, उसकी अपार सफलता के बाद इनफैक्ट 2 दिन में ही पिछले हफ्ता तो गोल्डन गया और गजब के सारे टारगेट्स हुए। तो वापस से मैं एक पेपर स्टॉक लाया हुआ स्टार पेपर मिल्स। देखिए एक डंकन ग्रुप की, डंकन गोयनका ग्रुप की पुरानी कंपनी है इनफैक्ट, और 1936 से कंपनी कार्यरत है, बट स्टार्ट किया था कोई दूसरे ग्रुप में, बाजोरिया ग्रुप थे उनसे टेक ओवर करके अब ये डंकन गोयनका ग्रुप में है। और स्टार पेपर एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है फंडामेंटल्स के लिहाज से, सिर्फ 7 के P मल्टीपल पे डिविडेंड बहुत बढ़िया देती है, करीब 2% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 326 रुपया, उसके सामने 129 रुपए 30 रुपए पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, 182 का हाईज ऊपर दिखाया हुआ है, और डेट्स जीरो डेट कंपनी है, तो इसलिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे। पिछले सितंबर के मुकाबले पिछले 4-5 क्वार्टर बहुत गजब के गए हैं, और पिछले सितंबर में नेग्लिजिबल प्रॉफिट था 2 करोड़ 2 करोड़ का, और इस बार था 7 करोड़ के लगभग। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे इस स्टॉक को ले सकते हैं आराम से, एक अच्छी वैल्यू बाई है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है मुझे, इनफैक्ट लगती नहीं है कि ज्यादा कोई और करेक्शन दे सकता है, और अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे पेपर स्टॉक्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किए, जब भी ये लॉकिंग लॉकडाउन ये सब की बातें आती है तो ये स्टॉक्स अफेक्टेड होते हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाई दिस स्टॉक, और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिएगा। 160 का मैंने छोटा ही टारगेट दिया स्क्रीन पे, बट 160 से 180 तक के लेवल्स आने वाले 6 से 9 महीने 12 महीने में दिखा सकते हैं। वो है इंडोरामा सिंथेटिक्स, लगभग 66 रुपए के आसपास करंट भाव है। हम के लिए इसलिए पसंद है क्योंकि अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो स्टॉक ने कल के सेशन में लगभग 14 साल का एक रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ पार किया है। स्टॉक ने पिछले 13-14 साल में कई बार अटेम्प्ट किया ये 60, 62, 65 रुपए के मल्टीपल रेजिस्टेंस को जोन ब्रेक करने को, लेकिन पिछले कुछ महीनों की कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने आखिरकार कल यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट्स पर एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। अनिल जी, इस ये एक बहुत ही सिंपल चार्ट फॉर्मेशन है, और जिस तरह का ब्रेकआउट जितने लंबे समय के बाद ये देखने को मिला है, ये अपने आप में एविडेंट है कि यहां से एक बड़ी तेजी इस स्टॉक में आते हुए नजर आ सकती है। तो कंजर्वेटिव साइड मेरा इस स्टॉक के लिए एक पोजिशनल परस्पेक्टिव से टारगेट जो है वो लगभग 98 से 100 रुपए का है, और 57 रुपए का मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में बहुत जल्द आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इंडोरामा सिंथेटिक्स है अनिल जी, मेरी तरफ से आज के लिए एक लॉन्ग टर्म खरीदारी का आइडिया।